हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज करने वाले हैं कुछ बहुत अलग सी चीज़। यहाँ खड़ी है एक मेरे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा, जो मर्जी कह सकते हैं, और यहाँ पे खड़ी है एक मीटियोर। तो क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? वैसे तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, बट फिर भी बता देता हूँ कि ये दोनों गाड़ियाँ ना अलग कलर पैटर्न्स की हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है, क्या बेसिक डिफरेंसेस आते हैं और क्या इनमें आपको करना चाहिए इनके पेंट को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, तो इसके ऊपर आज करेंगे पूरी बात। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों गाड़ियाँ जो अरेंज की हैं ये दोनों ब्लैक कलर में ही हैं। ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, लेकिन एक फ़र्क है दोनों में। नंबर वन, ये जो आपकी गाड़ी है ये है आपकी ग्लॉस ब्लैक कलर में, और ये जो आपकी गाड़ी है ये है आपकी मैट ब्लैक कलर में। तो अब इन दोनों कलर में डिफरेंसेस क्या है? ये कलर जो है ग्लॉस कलर, इसके लिए मैंने आपको कई बार कई सारे वीडियोस दिखाए हैं जिसमें मैंने आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो गाइज, इसमें आपने देखा होगा, इसकी हमने कई बार वीडियोस बनाई हैं कि इसकी शाइन को आप कैसे मेंटेन रखें, इसके ग्लॉस को कैसे मेंटेन रखें। लेकिन आपने कभी भी मुझे मैट कलर के ऊपर कुछ ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो क्यों ऐसा है? क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, या एक्चुअली मैं मैट कलर में कुछ इश्यूज़ होते हैं, या क्या है? तो आज इसके ऊपर पूरी बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये समझिए कि टेक्सचर को समझिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों गाड़ियों का जो बेस होता है वो सेम होता है, जो पेंट होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है, सेम पेंट दोनों गाड़ियों के ऊपर किया जाता है। लेकिन अब जो बेसिक फ़र्क आता है वो ये आता है कि यहाँ पे हार्डनर डाल करके ग्लॉस क्लियर कोट किया जाता है, और यहाँ पे हार्डनर यूज़ नहीं किया जाता मैट पेंट में, क्योंकि हार्डनर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैट वाला क्लियर डाला जाता है इस पेंट के ऊपर। क्लियर, वैसे आपको एक फ़ोटो भी यहाँ पर आप देख लीजिए आ रही होगी। क्लियर एक तरीके का लिक्विड होता है जो कि इन गाड़ियों के पेंट के ऊपर किया जाता है पेंट को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। तभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो जनरली जो ग्लॉस पेंट की गाड़ियां होती हैं उनका पेंट ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू द मैट कलर। मैट कलर थोड़ा सा कमज़ोर होता है। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो इसके ऊपर क्लियर कोटिंग की जाती है, उस क्लियर कोटिंग के अंदर इसमें हार्डनर नाम की एक केमिकल को यूज़ किया जाता है जो इस क्लियर को बहुत हार्ड बना देता है। लेकिन अगर उसी जगह पे आप मैट कलर देखें तो मैट कलर में हार्डनर का यूज़ नहीं होता है, और यहाँ पे सिर्फ मैट कलर का क्लियर कोट यूज़ किया जाता है। अब इस क्लियर में और इस क्लियर में फ़र्क क्या होता है, पहले ये समझिए। इसमें ग्लॉस होती है और इसमें जो होते हैं रफ़ पार्टिकल्स होते हैं। इसीलिए अगर आप कभी भी कोई मैट कलर की गाड़ी लेते हैं और कोई धूल भरे इलाके में आप चलाते हैं तो क्लियर ग्लॉसी गाड़ी के कंपैरिजन में मैट कलर पे आपको डस्ट ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। अब जैसे चलिए कोशिश करते हैं, देखिए यहीं पे देखिए खड़ी है गाड़ी, ये देखिए इस पे डस्ट है लेकिन आपको पता नहीं चलेगी। ये देखिए डस्ट इस पे भी है लेकिन इस पे जो डस्ट है ये देखिए ये ज़्यादा रुकेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं क्लियर कोट में वो रफ़ होते हैं। अब होता क्या है कि हार्डनर तो होता नहीं है मैट कलर में, तो क्या होता है कि जैसे ही हमारा कोई छोटा सा पत्थर या छोटा सा कोई स्क्रैच या कुछ भी लगता है तो तुरंत ये कलर यहाँ पे से ख़राब होता है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैट कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक मार्केट में कोई इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं। अगर कोई आपसे कहता है कि देखिए एक वेवेक्स का आता है, वो मैट स्प्रे आता है, मैट स्प्रे क्या कर सकता है, सिर्फ आपकी इस गंदगी को हटा सकता है। लेकिन आपको प्रोटेक्शन अगर आप बात कर रहे हो तो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैट फिर
कलर बेकार है क्या? नहीं, देखिए मैट कलर का एक अपना ग्रेस होता है, एक अपना लुक होता है जो कि आपको ग्लॉसी कलर में नहीं मिलेगा। अब आप जैसे देखिए ये कलर, देखिए ये ग्लॉस है, लेकिन अगर अब आप यहाँ पे देखिए इस कलर को, तो ये बहुत सटल कलर लगता है और बहुत आई सूदिंग कलर होता है। लेकिन अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर लगवा देते हैं PPF, कोई ग्लॉसी लगवा देता है, कोई मैट PPF लगवा देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि इसके क्लियर में हार्डनर नहीं होता है, तो जब आप उसको खींचते हो तो वो क्लियर फिल्म टूटती है और उसके साथ साथ आपका पेंट डैमेज होता है। तो मैट कलर में बेसिकली अगर मैं आपको सच और बिल्कुल ऑनेस्ट भाषा में बोलूँ तो कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है केयर के लिए। लेकिन मैट कलर में एक आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। कहाँ मिल सकता है कि जैसे अगर आपकी ये गाड़ी 1-1.5 साल पुरानी हो चुकी है, काफ़ी सारे स्क्रैचेस स्कफ्स दिख रहे हैं, तो पहले तो आप इसमें एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कि कलम टच कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। अगर मैं पेंटर्स की बात करूँ, अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँ तो उसे टचअप कहते हैं। तो आप पहले इसके ऊपर टचअप कराइए और इसके ऊपर दोबारा क्लियर मैट कलर की डलवा दीजिए। मैट कलर का क्लियर बहुत एक्सपेंसिव नहीं आएगा। आप किसी अपने लोकल पेंट शॉप वाले जो बंदे होते हैं, अगर आप उनसे बात करोगे, मैट क्लियर मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी का फ्रंट मडगार्ड, टंकी, दोनों पैनल और पीछे का, ये सब करने का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ले लेगा तो 1500-2000 रुपये सिर्फ क्लियर मैट कलर का डालने के लिए। तो जो आपने देखा है, हमें सुना भी है आपने कई बार कि मैट गाड़ियों को शैम्पू से मत धोइए, बिल्कुल मत धोइए। क्यों नहीं धोइए? क्योंकि इस क्लियर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रफ होते हैं, अगर आप इस टैंक के टेक्सचर को छुएंगे और इस टैंक के टेक्सचर को छुएंगे तो दोनों की स्मूथनेस में बहुत फ़र्क है। ये रफ है, ये बहुत स्मूथ है। अभी ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घिस जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कलर होता है वो ग्लॉसी होना शुरू हो जाता है। तो अब इसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली आप कोशिश कीजिए कि पेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चीज़ों का कम से कम रहे। गाड़ी पे कभी भी सूखा कपड़ा मत मारिए, क्योंकि सूखा कपड़ा रफ होता है, रफ कपड़ा रफ के साथ लगेगा और ज़्यादा जल्दी स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़, 1.5 साल 2 साल में जब भी आपको मौका मिले अपने किसी लोकल पेंट शॉप से कॉन्टैक्ट कीजिए, ये चारों पार्ट निकाल लेगा। 10-15-20 मिनट का काम होता है। हल्का सा इसके ऊपर रफ पेपर मारते हैं 2500 नंबर का, और उसके बाद इसके ऊपर दोबारा क्लियर मरवा दीजिए, मतलब क्लियर डलवा दीजिए मैट वाला, आपकी गाड़ी एज इट इज़ नई की नई बनी रहेगी। तो यही एक इकलौता सोल्यूशन है। वैसे आप पैसे खर्च करने के लिए, देखिए आप जानते हो 4 व्लॉग्स में हमारी एक पॉलिसी है, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो हम उसको अच्छा बोलते हैं, और अगर कोई चीज़ ख़राब है तो मैं कभी उसको नहीं कहता कि ये बहुत अच्छी है और वो चीज़ ख़राब हो। तो इसमें इकलौता सोल्यूशन अपनी गाड़ी को नया बना के रखने का ये है कि अपने एरिया में किसी लोकल पेंटर से कॉन्टैक्ट कीजिए जो अच्छा हो, उसको बताइए कि मुझे क्लियर वाला मैट डलवाना है इसके ऊपर। हर 1.5 साल 2 साल में 2-2500 रुपये ले लेगा, आपके ये पांचों पार्ट के ऊपर क्लियर डाल के रफ लगा के लगा देगा वापस, एंड योर बाइक वुड बी लाइक जैसी आपने खरीदी थी। इसके सिवाय आप कहो मुझे कि PPF लगा लेता हूँ, सेरामिक कर देता हूँ, कुछ और नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेता हूँ, तो गाइज देखिए पैसे लगाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, एंड नहीं है। आप हर साल नया टैंक लगवा लीजिए, लेकिन दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन सिर्फ मैट कलर के ऊपर यही है और कोई भी नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।